ट्रांसफॉर्मिंग देयर ड्रीम्स इनटू द रियलिटी वी हैव टू रियलाइज। कॉमरेड, मैं ज्यादा बात ना करते हुए, आई डू नॉट नो हाउ माय टाइम। मैं लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में तुसी देख सकते हो आज कैनरा बैंक दे नाल नाल सरकारी जिहड़े बैंकां दे होर कर्मचारी ने वो इस वड्डी कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा बन रहे ने। और उन्होंने कहना है कि जिस तरह की लगातार सरकार जिहड़ी है, भारत सरकार है जिहड़ी, वो हुण जिहड़े बैंक है, सरकारी बैंक है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन दे हत्थां दे विच देण जा रही है, जिहदा वो विरोध कर रहे हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके अपने सारे इंप्लाइज़ नूं एक वड्डा संघर्ष छेड़न की तैयारी है। और देखते हैं एक खास रिपोर्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਐਸੀ ਕੋਤਾ ਐਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਾ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੇਂਦਰਾ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਾਰਾ ਵੋ ਜਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੇਂ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। इसके लिए हम हमारा एक प्रतिज्ञा है कि हम अब कॉन्फ्रेंस का चर्चा करते हैं, वहाँ चर्चा होते हैं, एम्प्लॉयज का हर एम्प्लॉय का प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें सुझाव क्या है भी मिलता है। और अब तो ज़्यादा हो रहा है कि रिक्रूटमेंट से बहुत कमी हो रहा है और स्टाफ शॉर्टेज महसूस हो रहा है कस्टमर्स का। कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा मांग है कि एडिक्वेट रिक्रूटमेंट करना है। और प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस वो बैंक को अच्छा नहीं है, उसको भी हमें नेशनलाइजेशन स्ट्रक्चर में ही रखने के लिए हमारा कोशिश है, हमारा स्ट्रगल। सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? सरकार को किस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये प्राइवेट हाथों में अगर आपकी सरकारी बैंक चली जाती है तो उनको क्या चेतावनी? अभी हम देख रहे हैं कि कितना बैंक डूब रहे हैं, वहाँ के पब्लिक फंड्स का क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई बहुत मुश्किल है उनका, वो सेफ्टी नहीं है, वो बहुत मुश्किल में पड़ा है। अब बहुत सारे बैंक देख चुके हैं, अपने कोऑपरेटिव बैंक्स में डूब गए हैं। अब ऐसा ही माहौल आना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक नेशनलाइज बैंक ही है जो हर आदमी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दे सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। Meeting here for the 9th state conference of Canara Bank Employees Union State Committee, Punjab. Delegates from all the branches from the state of Punjab, they have come here. We are discussing about the problems and issues in the banking sector and as well as the staff problems. Here, now that the government is thinking of privatizing public sector banks and several lakh crores of public money is in public sector banks, and we are much worried about the safety of the public money held in the public sector banks. If it goes to the private sector, the lending towards priority and other development for the country, it will not happen, and the motive of the private sector will be profit. Thus the customers will be getting affected. The job security is will also be there. The job security will also be in danger. So we are meeting here and we will take some decisions on this, and we will take up in the proper forum to rectify all the issues of the employees. Sada asi Canara Bank Employees Union, All India body, state body, har state de vich conferences chal rahiyan ne. Is tarah hi Punjab state de vich 9th conference जिहड़ी चार साल बाद हो रही है, अज चल रही है। ये कॉन्फ्रेंसिस इसलिए होंदियां ने कोई भी जानकारी देण वास्ते ट्रेड यूनियन बारे, मैनेजमेंट बारे, गवर्नमेंट बारे, क्योंकि जिन्हें भी अटैक्स जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है बैंकिंग इंडस्ट्री के उत्ते, पब्लिक सैक्टर के उत्ते प्राइवेटाइजेशन करने वास्ते, या होर जिहड़ियां एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नूं खत्म करने वास्ते बैंकों के उत्ते अटैक किए जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग नूं ज़्यादा बढ़ावा दिता जा रहा है, इन्हां चीज़ों नूं रोकते हुए असी यह जिहड़े ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंसिस ने सारे कितें चल रही ने। और ये जिहड़ी 9th कॉन्फ्रेंस है साडे स्टेट कैनरा बैंक इंप्लाई यूनियन स्टेट कमेटी पंजाब की, वो अज चल रही है और इस तो बाद हर स्टेट के कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होएगी। कंप्लीट होने तो बाद फिर जो भी फैसला होएगा कैनरा बैंक इंप्लाई यूनियन का अपने कॉमरेड्स वास्ते, पब्लिक सैक्टर बैंकों को बचाने वास्ते वो फैसले लिते जाएंगे। जिहड़ी साडी ऑल इंडिया की कैनरा बैंक इंप्लाईज़ की कॉन्फ्रेंस है वो विजयवाड़ा होएगी।